हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप के बारे में। तो मैंने आपको क्यूब पार्ट तक पढ़ाया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले वर्ड आर्ट। तो देखो, सबसे पहले इसके बाद वर्ड आर्ट मतलब अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, अगर उसका कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट देना हो, अलग अलग एक लुक स्टाइल क्रिएट करना हो, तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज आप हमेशा लिखते हो, कभी भी आप लिखते हो तो नॉर्मल आप लोग क्या करते हो, एक पेज ओपन होता है, बोलो उस पेज पे हॉरिजेंटल लिखते हो, सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा और इसका लुक चेंज कर दे, इसका स्टाइल चेंज कर दे, तो उसके लिए कई कई जगह देखोगे बड़े बड़े बैनरों पे वो थोड़ा सा उस पेज पे जो हेडिंग लिखा रहता है कुछ ऐसे घुमा के लिखा रहता है, बोलो, या पूरा सर्कल में बनाया गया होता है। तो ऐसा स्टाइल जो क्रिएट होता है वह अलग अलग ऑप्शन से किए जाते हैं। एमएस वर्ड में यह ऑप्शन दिए गए हैं, वह संभव है तो वह है वर्ड आर्ट। ठीक है, यू कह लो वर्ड आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी पार्टिकुलर वर्ड को अट्रैक्टिव आकर्षक बनाने के लिए, अलग अलग स्टाइल देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलो इसी बहाने हम एक फॉर्म क्रिएट करना आपको बता देंगे हेडिंग के साथ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सभी लोग ध्यान देंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे क्या यूज होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, नया पेज ओपन हुआ हमारा, आते हैं वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो पहले से कुछ रेडीमेड टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक फॉर्मेट आप चूज कर लीजिए। ध्यान देना, रेडीमेड हमारे दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक फॉर्मेट आप चूज कर लीजिए। आते हैं और इसमें से कोई फॉर्मेट हम चूज कर लेते हैं, कोई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करने होंगे। तो चलिए टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। सर लड़के परेशान हो गए सर। देखो ये हमारा टेक्स्ट है, बोलो, और उसके बाद से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल में लिखा गया है, अब थोड़ा सा मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करूंगा कहाँ होगा फॉर्मेट पे। एक तो तरीका है, अलग अलग यहाँ पे लुक दिए गए हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। बोलो, अगर मैनुअली हम बनाए तो नहीं बना पाएंगे, या यहाँ से आप लोग और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हेडिंग बनाते समय ज्यादा लोग इसका ही प्रयोग करते हैं। ये अप्लाई करके देख सकते हैं, ये तो आप लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो यह नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, बस नॉर्मल कोई टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग में ले ले रहा हूँ यह वाला। और लेने के बाद से थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, होम पे आता हूँ और साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है, इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद से हम फॉर्मेट पे आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट इफेक्ट। क्या है टेक्स्ट इफेक्ट, आप इस पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन ये शैडो, तो शैडो इफेक्ट दिखेगा, दिख रहा है थोड़ा सा। अगर ये नहीं आपको लेना है, रिफ्लेक्शन कर दो, तो देखो उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा, दिख रहा है आपको। तो ऐसा आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो।
ग्लो कर दिया, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा स्टाइल एक क्रिएट हो गया, या नहीं चाहिए छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए कहाँ पे ट्रांसफॉर्म। और इसी का सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, अब इसमें से जो लेना हो आप क्लिक कर दो आप। ये कहाँ पर हुई वो? के बाद से आप क्या करो, ये रोटेट हुआ थोड़ा सा और रोटेट करना है, ठीक है, मोड़ना और यहाँ पे नीचे जो डॉट पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, इसी को हमको क्या करना है, मोड़ना है अपने हिसाब से। तो बस क्लिक किया आ जाइए और नीचे थोड़ा सा मैंने खींच दिया, ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर बाबू। और इतना क्लिक करने के बाद से क्या किया हमने, बस बाहर क्लिक कर दी। तो ऐसे स्टाइल आप लोग देखे होंगे, बोलो। अब इसमें से तुम सोच रहे हो कि अलग अलग करना फॉर्मेट, तो तुम्हारी मर्जी, आप लोग इसका यूज करके कर सकते हो। जाओ तो फंसा है, क्लियर बाबू। इसमें से किसी कोई दिक्कत तो आप लोग अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब देखो, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करते हुए ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मेट बनाना है। तो चलो मैं थोड़ा सा एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं आता हूँ और यहाँ पे टैब बटन दबाता हूँ, ध्यान देना टैब। और इसी के अंदर थोड़ा हमको लिखना है, ये क्या करेंगे, लिख देंगे, पढ़ रहा हो ना, इन अपने हिसाब से टेक्स्ट को मूव कराना हो तो क्या लोगे, बोलिए जल्दी से, टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे, सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको कर देंगे हम बोल्ड, साइज थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा। और क्या करेंगे आप, बाहर क्लिक कर देंगे और फिर से टैब 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 टैब, और भी यहाँ पे देना है कोई इंफॉर्मेशन तो लिख दिया हमने, वो लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बॉक्स, कर्सर थोड़ा हमारा बाहर आए, विकास वाला, और इसको थोड़ा सेलेक्ट करते हैं। अब देखो मैं क्यों कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रहा हूँ, रीजन समझ आ रहा है आप लोग को, क्यों बताइए, क्योंकि अगर मैं माउस से क्लिक करता ना तो केवल ए ही सेलेक्ट होता, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, पड़ा है, अगर जब भी जितना बार क्लिक करते हैं यही सेलेक्ट होता है। तो मैं टैब टैब बटन दबा के और इसके अंदर लिखना है तो मैं केवल कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड का यूज करने से फायदा है कि आराम से सेलेक्ट भी कर ले जा रहे हैं और लिख भी ले जा रहे हैं। लेकिन तुम सोच रहे नहीं ऐसे अलाइनमेंट सही से नहीं बैठेगा, तो मैं पढ़ाया था आपको टेक्स्ट बॉक्स, जहां पे भी लिखना है टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और लाके वहां छोड़ दीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप दोनों तरीका अपना सकते हो। आपको सर कैसे आप सेलेक्ट कर ले रहे हो कीबोर्ड से, ठीक है, तो शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के आज अब कर्सर को हम क्या करेंगे, राइट की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा कर्सर क्या होगा, कर्सर मान लो यहाँ पे, तो राइट की साइड सेलेक्ट होने लगे और हमारा कर्सर लास्ट में शिफ्ट दबा के लेफ्ट बटन दबाएंगे तो लेफ्ट वाला सेलेक्ट होता जाएगा, तो शिफ्ट के सहारे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इसका प्रयोग करिए, ठीक है, तो हम थोड़ा साइज को छोटा कर देंगे, हो जाएगा बाबू। अब इतना करने के बाद से थोड़ा हम अंडरलाइन लगा देते इस पे। अब इतना करने के बाद से मैं आ जाता हूँ, टैब बटन दबाता हूँ, टैब टैब, थोड़ा सा बाद में लगाने के बाद से करे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अंडू करते हैं, देखो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, दिख रहा ना यहाँ से, तो चलो
यहाँ पे आएंगे और बाहर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सेलेक्ट करके टैब बटन पहले दबाते हैं और टैब बटन, और यहां से हमें स्टार्ट करना है। क्या लिखना? तो हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम और टैब टैब, दो बार टैब। क्यों टैब दो बार दबाया हूं? ठीक है, मतलब वो तो पता है, ठीक है, लॉन्ग स्पेस देता है, लेकिन टैब बटन में इसलिए दबाते हैं हमारा अलाइनमेंट सही हो। आपको सर क्यों अलाइनमेंट सही हो? ठीक है, देखो जैसे स्टूडेंट ने मान लो हमारा 3, 6, 7 करेक्टर का है, बोलिए। अभी लिखेंगे फादर्स नेम तो थोड़ा बढ़ जाएगा, बोलो। अभी लिखेंगे एड्रेस या विलेज, उसमें थोड़ा घट जाएगा। तो होता क्या है, जब हम लोग हेडिंग बनाते हैं तो अगर हम यहाँ पे स्पेस बटन दबा के डॉट डॉट देते हैं तो कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। क्या मतलब है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कोई थोड़ा बाद से स्टार्ट होगा, कोई थोड़ा पहले से स्टार्ट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हेडिंग दू उसका अलाइनमेंट सबका इक्वल हो, क्या हो? इक्वल हो। आज जब यहाँ पे डॉट डॉट लगाऊ वो भी सब अलाइनमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो थोड़ा हेडिंग बढ़ेगा तो हम टैब दो बार दबाए हैं तो आराम से जितना बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, पहुंच जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। और आराम से हेडिंग भी बना सकते हैं एक अलाइनमेंट में, और जो डॉट डॉट लगाएंगे वो भी एक अलाइनमेंट में दे सकते। तो ऐसे कंडीशन में टैब बटन दबा रहे, हम चाहते तो मैनुअल भी दबा सकते, कर सकते थे, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बैठता फिट जितना टैब से होगा। तो चलो अब यहाँ पे दे दिया हमने, और देने के बाद हमने क्या किया, कॉलन कर दिया और लगा दिया डॉट डॉट डॉट। जहां तक जाए कर देना, उसके बाद अपने आप तो वापस सही भी करेगा। नीचे नहीं लाना है, बैक स्पेस, क्लियर बाबू। अब यहां पे आने के बाद से क्या, इंटर और टैब सामने आ गया कि नहीं आ गया, और उसके बाद से लिखेंगे क्या, फादर्स टैब टैब, देखो तो हम अलाइनमेंट आ जाएगा, ठीक। और कॉलन, और हम बार बार दबा रहे थे ना, हम ऐसे पकड़ के रखे रहेंगे अपने आप बढ़ जाएगा, हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे थे, बस सीख लो कैसे आ जाएगा। कई लोग ये पसंद नहीं आता है, ये डॉट 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 क्यों लगा रहे हो, एक लाइन आ जाए तो लाइन पता है आपको, चाहोगे तो स्टेप से ले सकते हो, बोलो, और कंट्रोल डी डी करके सब डुप्लीकेट बना लेना, या चाहोगे ना तो शिफ्ट के साथ माइनस दबाओगे तो भी लाइन क्रिएट हो जाएगी। कैसे, तो मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद से हम यहाँ पे इंटर बटन दबाए और यहाँ पे इंटर टैब और टैब बटन दबाने के बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे दिया एड्रेस, अब टैब बटन दबाऊंगा फिर से टैब, अलाइनमेंट एक ही होगा। अब यहाँ पे हम कॉलन देके लाइन खींचना है, तो लाइन खींचेंगे उसमें टाइम लगेगा, या तो शिफ्ट के साथ माइनस दबा दूं तो सीधा एक लाइन चला जाएगा, समझ रहा ना। इसमें से जो पसंद है आपको ले लेना है। हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें एरर आ रहा है, ठीक है, तो या हमने कोई सेंटेंस लिखा नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस समझ नहीं रहा है इसलिए ऐसा एरर आ रहा है, और आपको सर पढ़ाए होंगे इस एरर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो ऐसा नहीं आता है। देखियो ना आप लोग, नहीं देखो तो देख लो। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा जूम, थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, देखो एरर नहीं आएगा इसमें, ठीक है, प्रिंट जब करेंगे तो आप, ठीक है, परेशान मत होइएगा, ये अलाइनमेंट सही से समझ नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए एरर आता है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करो, और क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करिए, नहीं फिर से आप जाहिर सी बात जानते हो ना कि इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, फिर से आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम जो प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। और आप बताओ जो फॉर्म में मैटर नहीं बना पाओगे वैसे आप लोग बना लीजिएगा, जिससे आप लोग इस ऑप्शन के बारे में सीख जाओगे,
आप कुछ बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट के हिसाब से आप एक एक करके एडजस्ट करके इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, अगर फोटो टो लगाना है तो बॉक्स यहाँ बीच में थोड़ा सा डॉट थोड़ा कम कर लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए क्या सेपेज का, उसी के अंदर फोटो लगा दीजिएगा। कैसे बोलो, फोटो उसी में लगाना है, कैसे लगाओगे? थोड़ा सा जगह कम दें, लो दिखा भी दे रहा हूँ थोड़ा सा हिंट करके, बस इतना ही चाहिए। उसके बाद से इसको भी इससे ज्यादा नहीं देना है, और लाइन जो हमने दिया है ये भी यही तक लाकर रोक दे रहे हैं, और कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट पे। उसके बाद सेप पे और एक सिप बना लो फोटो के लिए, यहीं पे लगाना है, डायरेक्ट लगा दोगे, फिल पिक्चर ब्राउज जो भी हो इसी को लगा देते हैं, फिट बैठ गया। तुम्हारा ना, कई लोग क्या करते हैं, सेपेज अलग से लाते हैं, पिक्चर अलग से लाते हैं, जाके उसमें सेट करते हैं, फिट करते हैं, टाइम लगता है। तो कभी भी सेपेज के अंदर अगर फोटो लाना है तो सबसे अच्छा यही तरीका, कर लोगे तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। थोड़ा बॉर्डर सेट करना है तो आप बॉर्डर वॉर्डर लगा सकते हैं, तो पता है आपको कैसे लगाओगे, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर दो, कलर करना है तो कलर कर दो, कर ले जाओगे। तो ऐसे आप लोग बना के देखिएगा, अच्छा प्रोसेस है, ठीक है, सीखने कुछ मिलेगा आपको। अब मुझे मान लो कई सारे ऑप्शन पढ़ाने हैं, नहीं तो फॉर्म और पूरा कंप्लीट बनाने लगे तो एक दिन इसी में लग जाएगा, ठीक है। और आप लोग लिखना ही है केवल, तो लिखिएगा, लिखते समय कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बोलो, आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, ये नाम सुने हैं कभी, या ऐसा मैटर कभी देखे हैं? बोलिए कहाँ, पहले लाइन से पढ़ा लेकर चलिए बैठ गए। और कोई आप लोगों से बुक पढ़ते हो? नहीं, इससे थोड़ी कमी है, ए मन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा, देखिए आप लोगों को मुझे लगता है कि जितना ज्ञान आपको बुक से मिलेगा उतना कहीं से लीजिए। देखिए हो गया, आप लोग बड़े बड़े जो भी लोग हैं जो कुछ भी सीखते हैं बुक से ही सीखते हैं, ठीक है। जो जितना बुक पढ़ता है उतना उसको ज्ञान होता है, और आगे चल के वो कोई टीचर नहीं दे सकता है, तो समझ जाइए किसी YouTube चैनल पे नहीं मिल पाएगा, ना गूगल पे सर्च करो तो मिलेगा। इसीलिए अच्छे अच्छे बुक पढ़ने चाहिए आप, ठीक है। जितने लोग पढ़े हैं देखना, कभी स्पीच देते होंगे तो एक पॉइंट बार बार कहते होंगे कि बुक पढ़ा कर, ठीक है, बुक पढ़ा करिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे वही है, रट्टू ज्ञान मिलेगा। और वहां पे जो पढ़ोगे तो बुक में कुछ ऐसे ऐसे मैटर रहेंगे जो टीचर आसानी तरीके से नहीं बता पाता है, ठीक है। अब मान लो हम एक एक करके पढ़ाते रहे तो उसमें अलग बात है, और बुक में बहुत सारे राइटर किए रहते हैं, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस रहता है, वो अपनी हिसाब से देते हैं, इस्तेमाल करते हैं लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसको समझिए। देखो ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब एक पैराग्राफ में 3 लाइन को ड्रॉप करना, एक पैराग्राफ में 3 लाइन को क्या करना हो, मतलब अब ड्रॉप करने का मतलब क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह कि सपोज हमारा यह पेज है, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, तो उसका पहला लेटर खूब बड़ा रहता है, और उसके बाद जो होते हैं मैटर वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे हमको लिखना है गणेश या गायत्री, तो दोनों का वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से, तो जी खूब बड़ा बना देते हैं, तुम खूब स्टाइल ऐसा क्रिएट करते हो, ठीक है। और जी खूब बड़ा बना देंगे, उसके बाद से जो भी लिखना है जी एक ही रहेगा, और उसके बाद से जो 2 लाइन में मैटर लिखना है उसके बाद वाले करेक्टर को लिख देते हैं। बोलो, तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं ड्रॉप कैप।
तो कई लोग क्या करते हैं, 3 लाइन को एक बार में ड्रॉप करते हैं। मतलब ऐसे जगह इसका इस्तेमाल करिए, ध्यान देना, ऐसे जगह इसका इस्तेमाल करिए जिसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या हो, जिसका स्टार्टिंग प्रोसेस हर एक लाइन का एक पार्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट। ठीक है, अगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं पड़ता नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है इंफॉर्मेशन इंडिया, ठीक है इंस्टीट्यूट, तो तीनों का वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, बोलो। ये लिखना है शंभू, लिखना है स्मार्ट, ठीक है तो यस से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऐसे वर्ड लिखिए, ठीक है, जिसका पार्टिकुलर हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर उसी से स्टार्ट हो रहा है। एक बार में क्या करोगे, 3 लाइन को ड्रॉप कर सकते हो, 3 लाइन को ड्रॉप कर सकते हो, इससे चाहोगे ज्यादा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है, थोड़ा मैटर अच्छे से दिखता नहीं है। तो चलिए मैं करके पहले दिखाता हूँ आपको, एक सिंपल, तब अलग अलग नाम लिख के। ठीक है, मैंने कुछ खराब कर दिया क्या जी नाम बोल के? चलो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे आज के बाद अपना नाम। सोच लीजिए सर जी, अपने हाथ से अपने मुंह से अपना बढ़ाई कर दिए। चलिए आते हैं, उसके बाद से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे नन नन दिया है, बस यहाँ पे कर दो क्या। दिख रहा आपको क्या दिख रहा जी? मतलब इस पैराग्राफ पे 3 लाइन है, लेकिन इसमें तो भी तो कोई स्टार्ट तो नहीं हुआ ना जी। फिर भी यह क्या कर रहा है, या जितने 3 लाइन है उसमें सबसे बड़ा लेटर बन जा रहा है और ड्रॉप करके इसके मैटर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा भी लोग स्टाइल क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक लाइन में कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना कर ही दिया। फिर इस पे भी करना है तो बस क्लिक करके और यहाँ पे हमने कर दिया, ऐसा एक लुक अलग क्रिएट होता है। एक तो नॉर्मल तरीका है जो हमेशा लोग यूज करते हैं, और एक बनावटी जो हम बना रहे हैं, ठीक है अपने हिसाब से। ठीक है, क्या कंट्रोल एन, और यहाँ पे हमको टाइप करना है, तो हम टाइप कर देते हैं। ठीक वो इससे लिख देते हैं, लिख दिया ना। अब यहाँ पे क्लिक करो, अब क्लिक करने में 3 लाइन है, तो देखो होगा क्या यहाँ पे ड्रॉप। कर दिया ड्रॉप, लेकिन आई से तीनों तो स्टार्ट है, लेकिन हमने आई इसमें भी लिख दिया और आई इसमें भी लिख दिया है, इस आई का भी कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए इस आई को हम क्या कर दें, यहाँ हटा दें बस। आई गायब और ये भी आई हटा। एरर तो आएगा, वो एरर क्यों आएगा आपको पता है, वो समझ नहीं पाता क्या लिख रहे हो, समझ रहे ना? तो या उसको फिट बैठ नहीं रहा है, इसलिए ऐसे क्यों नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसका यह अलग मान लिया इसको और इसको अलग मान लिया। ठीक है, अभी देखो हम जब आएंगे ना यहाँ पे तो कहेगा एन कैपिटल कर दो, अभी सही हो जाएगा। देखो बोले एक पार्टिकुलर वर्ड बना दो, ठीक है तो हमको बनाना नहीं है, ऐसे ही देखना है। ठीक है, एक बार ना हम तो गलत मान रहे हैं, ये क्या होता है एन सी ओ एम। ठीक है, तो चाहेंगे तो यहाँ राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ठीक जो है वो भी कर सकते हैं, या नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, या डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, एरर तो ये आएगा। ये किससे दिक्कत है, सेंटेंस से दिक्कत है, बोलिए कर ले जाओगे? तो सिंपल सोच, अगर कोई पूछे ड्रॉप कैप क्या होता है तो क्या बताओगे? ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है तो एक बार में 3 लाइन को ड्रॉप करता है, उसका पहला लेटर क्या होता है, लार्ज हो जाता है, जितने कैरेक्टर होते हैं। बस कभी कभी बुक बनाते समय लोग ज्यादा यूज करते हैं, एक अलग स्टाइल क्रिएट करते हैं। हाँ, या जो पेपर ऊपर पढ़ते होंगे इंग्लिश वाला, उसमें देखने को मिलता है, अदर कहीं नहीं मिलता। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम तो पढ़े हो, अभी तक तो पढ़ते आए हो, नोट पैड में पढ़ाया गया होगा डेट एंड टाइम, वर्ड पैड में पढ़ाया गया होगा डेट एंड टाइम, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अगला है ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई बताएगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है?
यहाँ पे जो दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑप्शन, तो देखो आपको वर्ड पैड में पढ़ाया गया होगा कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और काम करके उस डाटा को यहीं पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं एमएस वर्ड का, अब मुझे थोड़ा सा कुछ पेज का डिजाइनिंग करना है, ग्राफिक्स, तो ग्राफिक डिजाइन एमएस वर्ड पे अगर करें ना तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, कोरल डा दिया है, फोटोशॉप दिया है, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग हम लोग एमएस पावर पॉइंट से भी कर ले जाते हैं। तो लेकिन वो डाटा हमको इस पे इंसर्ट कराना है, जरूरी है, तो ऐसे कंडीशन में हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, लेकिन डाटा इंसर्ट होगा इस सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो एक्सेल, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट जितने पहले दिन आए थे पढ़ाए थे, एक्सेल स्प्रेडशीट हम सोच रहे हैं कि एक्सेल का यूज करें, कोई फार्मूले लगाने हैं, कोई कैलकुलेशन हमको करने हैं, एक तो तरीका वहां पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाइए और एक तरीका यहीं से क्लिक करके इंसर्ट करा लीजिए। लेकिन यूं कह लो इस सॉफ्टवेयर को छोड़ के जो हमारे कंप्यूटर में अदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर उसको एक्सेस करना है, चलाना है और उस डाटा को यहीं पे इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो पहले तो हम सिग्नेचर लाइन आपको पढ़ा देते हैं, तब डेट एंड टाइम पढ़ा देते हैं, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। जैसे मान लो हमने यही मैटर बनाया है, अब किस डेट को बनाया था, क्या टाइमिंग था, तो हम नहीं दे सकते हैं डेट, बोलो हेडिंग आप लिख देंगे क्या डेट, ऐसा देखे होंगे कई जगह, किस डेट का यह रिपोर्ट है, बोलो टाइम क्या हो रहा है, तो डेट लिख के क्या करेंगे, इंसर्ट डेट एंड टाइम, कौन सा जो भी लेना है अपने हिसाब से ले लो फॉर्मेट। यहां पर देना है क्या हमको, टाइम या नीचे देना तो दे सकते हो, यहाँ पे कौन सा टाइमिंग सेलेक्ट करना हो ले लो, सेकेंड वोकेंड सब, थोड़ा सा हम जगह दे देते हैं इसको और हेडिंग बना देते हैं बोल्ड, इसको भी जगह बोल्ड, हो जाएगा बाबू, ऐसे आप लोग कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे, कोई दिक्कत है, बोलिए। यह डेट एंड टाइम हो गया, अब मुझे लास्ट में कहा जा रहा नहीं बाबू सिग्नेचर भी अपना कर देना, जिसे पता चले कि इनके द्वारा बनाया गया और आइडेंटिफाई करके सिग्नेचर किया गया, यहीं पर लगा दीजिए सिग्नेचर, तो क्या करेंगे आप, इंसर्ट पे आएंगे, सिग्नेचर लाइन पे आएंगे और एक लाइन इंसर्ट करा देंगे। तो देखो सजेस्टर साइनर बोल रहा है तो हमने नाम दे दिया, तुम कुछ भी कहोगे हम अपना नाम लिखेंगे, और ईमेल आईडी नहीं देना हम, ऐसे एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट पे आके क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग लाके छोड़ देंगे इसके नीचे। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब, आप साइन तो ऐसे करते नहीं होंगे, नहीं करते होंगे, हमने नाम बता दिया उनका, क्या काम करते वो बता दिया, वो आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन कर देगी हमारा ना, एक लाइन से बोलते सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर नहीं दिया हम, एक लाइन इंसर्ट करा, अब वो आएगा तो क्या करेगा, प्रिंट करके देंगे तो सिग्नेचर कर देगा। और लेकिन तुम सोचो नहीं सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि ऑटोमेटिक हमारा सिग्नेचर इस सॉफ्टवेयर में भी आ जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा, क्या कॉपी पर लिखिए, साइन करिए, स्कैन करिए, इमेज को इंसर्ट कराइए और जहां पे लाके छोड़ना वहां छोड़ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करके तब लाके यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो मेरे पास कई सारा साइन है, उसको दिखा देता हूं मैं, जैसे मान लो उसको स्कैन करके या फोन से, कोई जरूरी है स्कैन करना, लिख के क्या कर देना, फोटो क्लिप कर देना, और व्हाट्सएप वेब जानते ही हो, व्हाट्सएप वेब से डाउनलोड कर लेना, पिक्चर
मान लो यहाँ पे देखो इन्हीं का है, तो देखो सिग्नेचर है किसी का, अमन पाठक। ठीक है, और ये बैकग्राउंड हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो रिमूव बैकग्राउंड। लेकिन देखो टेक्स्ट भी चला जा रहा है एकदम, रहने दो। ठीक है जी, ले लोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट वाला लेना अच्छा रहेगा। पेज देखो व्हाइट नहीं है यार, इसीलिए ऐसा आया है। फॉर्मेट में चेंज कर देगा, फॉर्मेट रिकलर। मतलब इफेक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन ये आएगा, ये आएगा। लो क्यों ले आ, ले लो। हाँ ठीक रहा है, सबसे फिट बैठ है यार। साइन करके लगाएंगे, मतलब फॉर्मेट बहुत सारा है, कर ले जाओगे बाबू। तो ये तरीके हैं, आप लोग करके देखिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा आप लोग। तो सिग्नेचर लाइन बता दिया, डेट एंड टाइम बता दिया, और अगला है ऑब्जेक्ट। तो चलो कंट्रोल एयर करते हैं और इस पे सिखा देते हैं आपको। इंसर्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। किस सॉफ्टवेयर का यूज करना, तो पहले तो इसके बारे में जानना चाहिए, हमें तो इसके बाद से सॉफ्टवेयर जानता ही नहीं हूँ, इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। तो चलो हम कोई ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है, बस यहाँ पे काम करिए, इस्तेमाल करिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम ही कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ले लो। एक्सेल ले लूं, एक्सेल यहाँ पे आ गया। देखो इससे जम जो पढ़ाए थे शुरुआत में, बोलो। या पावर पॉइंट का डाटा लेना है तो आ जाओ, ये ला के दिखा भी दे रहा हूं। क्लिक पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट स्लाइड। लो ला दिया, डिजाइन में आ गए। लो डिजाइन कर दिए और लिख दिया, पढ़ रहा हूं ना। देख लो आया। तो ऐसे अगर डाटा को इंसर्ट कराने हैं तो आप यहां से इंसर्ट करा के देख सकते हो। हाँ इसमें एक और इसके अंदर ऑप्शन है, ये तो ऑब्जेक्ट वाला पढ़ा दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। यहीं पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मतलब कोई टेक्स्ट पहले से लिखा गया किसी फाइल में बना के रखा गया है और उसको डायरेक्ट लेके आना है, तो क्लिक करो कौन सा कोई ले लो, इंसर्ट कर दो, जो लिखा होगा वो आ जाएगा इसमें। क्या लिखा है जी, फिर से आ जाओ, क्लिक करो। अब पता नहीं इसमें क्या लिखा है, वीडियो वन में कुछ ना कुछ होगा ही होगा। देखो आ गया, दोनों आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे एक ही फाइल पे कई सारे फाइल से क्या कर सकते हैं हम लोग, डाटा ला सकते हैं और ऐड करके और एक नोट तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो यहाँ तक आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है सिंबल्स ग्रुप, तो नाम से पता चल रहा है सिंबल्स ग्रुप का यूज क्यों करेंगे, मतलब हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसे सिंबल हैं जो हमारे कंप्यूटर में ठीक है आसानी तरीके से इंसर्ट नहीं हो पाते। जैसे कीबोर्ड में बताओ, अगर मैं बोल दूं अल्फा बीटा गामा थीटा, बोलो पाई, या टाइप करना हो तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो है ऑप्शन, ठीक है। या 4/2 मैनुअली लिखना है तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। या कर्णी में कोई वैल्यू देना हो तो नहीं लिख पाओगे, या मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना हो वो नहीं बना पाओगे, या साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, पाई बाई टू, ये सब जो सिंबल जो इक्वेशन दिए गए हैं वो आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सिंबल्स ग्रुप दिया है कि जब जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल आप लोग करके देख सकते हैं और ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपल तरीका, हाँ लिख लो शॉर्टकट की, इक्वेशन के लिए शॉर्टकट की तो अल्ट प्लस इक्वल, नोट कर लें, इक्वेशन अल्ट प्लस इक्वल।
हार्ड प्लस इक्वल कोई बताएगा इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब क्या होता है?